मुमरा के 10वीं के छात्रों के सेंटर 5 किलोमीटर दूर होने पर संघर्ष अध्यक्षा रुता अवार्ड ने बोर्ड तथा जिला परिषद से की अपील। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। फरवरी माह में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो जाएगी। मुमरा कौसा के 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए अब की बार खबर बुरी है। स्कूल मैनेजमेंट जितने भी है, मुमरा कौसा की जितनी भी निजी स्कूलें हैं, सरकारी स्कूलें हैं, इन सब के एक बात ध्यान में आई है कि 10वीं के छात्रों को इस बार जो सेंटर्स दिए जा रहे हैं वो मुमरा शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर है। परीक्षा की तैयारियों के दबाव में, मानसिक तनाव में छात्रों को इतना लंबा आना जाना कैसे संभव होगा, इस पर सभी स्कूल के ट्रस्टियों ने और मैनेजमेंट के लोगों ने सवाल उठाया है। और ये बात ध्यान में लाई गई संघर्ष संस्था की तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जिला अध्यक्ष रुता अवार्ड के। तो रुता अवार्ड ने इस संबंध में बोर्ड के डायरेक्टर से बात की है और साथ ही जिला परिषद से उन्होंने इस संबंध में बात की है। क्या उनकी बातचीत हुई है और उन्होंने क्या अपील की है, सुनिए उनकी अपनी जवाबी। मुमरा के कुछ स्कूलों के जो प्रिंसिपल थे और टीचर्स थे, उनकी ये कंप्लेन है और 2-3 सालों से है कि उनके 10वीं के बच्चों के जो बोर्ड्स के सेंटर रहते हैं वो बहुत दूर रहते हैं कौसा में। मैं समझ सकती हूँ कि बोर्ड जब बोलता है कि दूर या पास, तो वो लोग जो डिस्टेंस होता है वो कंसिडर करते हैं, लेकिन आजकल डिस्टेंस कंसिडर करने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ट्रैफिक इतना रहता है कि वो बच्चा वैसे ही एग्ज़ाम के टेंशन तले दबा होता है। ऊपर से अगर उसको घंटों या बहुत देर तक रिक्शा में या कहीं भी बैठना पड़े तो वो और स्ट्रेस आउट हो जाता है। हमने कलेक्टर से बात की थी, उनका मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने कुछ उसके लिए पहल भी की है। अभी उनका कहना है कि ऑलरेडी सेंटर्स शायद अलॉट होने का प्रोसेस शुरू हो गया, लेकिन फिर भी अगर ज़िला परिषद का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो अगर बोर्ड को ये बात समझाए कि वो जितना हो सके उतना 10वीं का जो सेंटर है वो बच्चों के स्कूल के एतराफ में, आसपास में कहीं रखें, क्योंकि अगर आप देखें तो ICSE के जो स्कूल है उसमें उनका खुद का ही स्कूल सेंटर होता है और दूसरे स्कूल के जो टीचर्स होते हैं वो उनका मॉनिटरिंग करते हैं, सुपरविजन करते हैं एग्ज़ाम के टाइम। तो मेरे ख्याल से अगर बोर्ड थोड़ा सा अपना रुख, टेक्निकल रुख बदल के अगर थोड़ा सा इंसानियत के मामले में सोचे तो बच्चों को बहुत राहत मिल सकती है।